दोस्तों मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं मेरे व्यूवर्स के, मेरे साथियों के, मेरे मित्रों के, कि जो सिफिलिस है वो बीमारी क्या है, इसका क्या कारण होते हैं, क्या इसका इलाज हो सकता है आयुर्वेद में। तो आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि सिफिलिस क्या है, इसके बारे में क्या इलाज हो सकता है और इससे बचें कैसे, कैसे इसको फैलने से रोका जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनीष शर्मा एंड यू आर वॉचिंग आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों जो सिफिलिस होता है वो एक एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जो कि बैक्टीरियम ट्रेम्पोनीमा पैलेडियम नामक एक वायरस की वजह से, एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। सो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाला एक वायरस होता है, जिसके अंदर अगर आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हो या फिर माँ से बच्चे को, तो इसके बहुत से कारण होते हैं जिनके बारे में आगे बात करूँगा। तो ये उस तरीके से फैलने वाली बीमारी होती है। इसके अंदर जो इसके मेन जो इसकी तीन स्टेजेज होती हैं, ठीक है, तो पहली स्टेज होती है वो प्राइमरी स्टेज होती है। इस स्टेज के अंदर आपको जो इसके जो लक्षण है सिफिलिस के, पता भी नहीं लगेगा कि सिफिलिस बॉडी के अंदर सिफिलिस का वायरस है या आपको सिफिलिस है दोस्तों। तो फिर इसका जो सेकेंडरी स्टेज आती है, उस स्टेज के अंदर आपको जो इसके लक्षण आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन लक्षणों के अंदर मेनली आते हैं, एक तो पूरी बॉडी हाथ पैरों पे या हाथ के जो तलवे हथेलियाँ होती हैं या फिर पैर के जो तलवे होते हैं या फिर गर्दन है या जेनिटल ऑर्गन्स है वहाँ पे आपको फफोले या रैशेज होने लग जाते हैं, ठीक है। और कई बार वो जो फफोले रैशेज है वो फूट जाते हैं यानी बस्ट हो जाते हैं, वहाँ पे घाव जैसा हो जाते हैं, उनमें पेन नहीं होता है, ठीक है, पर वो घाव जैसे हो जाते हैं और दुर्गंध भी आने लगते हैं कई केसेस में ऐसा देखा जाता है। और साथ ही साथ फीवर आने आता है और हेयर लॉस होता है, वेट लॉस होता है, मसल एक होता है, मीन मसल्स में दर्द होता है, बॉडी पेन होता है। तो ये इसके कुछ जनरल इसके सिम्टम्स हैं जो कि इसके अंदर आते हैं सेकेंडरी स्टेज के अंदर। और फिर जब इसकी जो थर्ड स्टेज होती है जिसको टेट्रिनिटी स्टेज बोलते हैं, वो स्टेज के अंदर नॉर्मली ये जो लोग ट्रीटमेंट सेकेंड स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि भैया बहुत लंबे टाइम के बाद जाके ये स्टेज आए, तकरीबन साल डेढ़ साल लग जाता है इस स्टेज में पहुंचने में अगर आदमी ट्रीटमेंट पहले ना ले तो। सो ऐसे में 15-30% पेशेंट होते हैं जिनमें ये स्टेज आती है। तो इस स्टेज में क्या होता है ना कि ये जो बीमारी है अपना विकराल रूप ले लेती है। इस टाइम पे आपका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह डैमेज होने का पूरा खतरा होता है, ब्रेन डैमेज होने का खतरा होता है इस बीमारी की वजह से। सीरियसली दोस्तों, इस बीमारी की वजह से आपका जो ब्रेन डैमेज है, हार्ट जो डैमेज है, जो ब्लड वेसल्स है वो उसका डैमेज हो सकता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का जो आपकी जॉइंट्स का डैमेज हो सकता है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इन्फेक्शन हो, जो फ्लूड होता है, स्पाइनल फ्लूड होता है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, और आपकी जो लीवर है उस पर भी बहुत ज़्यादा ये डैमेज कर सकता है। ये एक इनिशियल बहुत ही आगे की स्टेज है जो कि थर्ड स्टेज जिसको अपन कहते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल होता है। अब इसका जो मेन रीज़न है कि क्यों ये फैलता है, सो अब इसके अंदर अपन को ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि ये फैलता क्यों है। सो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, यानी कि अगर आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हो तो ये फैलने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर जो लोग समलैंगिक होते हैं, जो लोग गे हैं या लेस्बियन जो भी है, तो ऐसे अगर संबंध बनाते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एनल आप सेक्स करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ओरल के अंदर इसके चांसेस कम है पर हैं, बहुत चांसेज हैं पर बहुत इतना ज़्यादा नहीं है जितना नॉर्मल से होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई कट लगा हुआ हो और अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हो तो भी आपको फैलने के चांसेस होते हैं, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू आपको ये जो वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है। और एक जो मेन होता है आपकी माँ जो बर्थ है, अगर बच्चे बर्थ के टाइम में माँ को अगर ये है तो प्रेगनेंसी के टाइम अगर माँ को है तो माँ से बच्चे को भी हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है बच्चे को, बच्चे की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, बच्चे की मौत तक हो सकती है दोस्तों। तो सिफिलिस को इतना लाइटली ना लें। अब बात करते हैं इसके इलाज की। तो इलाज के अंदर दोस्तों होता क्या है कि इसके जो इलाज है कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एलोपैथिक के अंदर इसके अंदर जो भी देते हैं वो सब की सब नॉर्मली एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, ठीक है, या फिर एंटीवायरल वगैरह देते हैं, बट आयुर्वेद के अंदर कुछ ट्रीटमेंट हटके होता है, जैसा कि आप जानते हो मैं आपको लिए हमेशा कुछ हटके ले जाता हूँ। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल चीज़ें बताने वाला हूँ आज मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ जो बरगद होता है, बरगद का
पेड़ है उसके जो पत्तियां होती है या फिर उसके जो फल होते हैं उनको लेके आना है, उनको सूखा लेना है, वो उनको फिर जला के उनकी जो राख होती है उससे लेप करें जहाँ जहाँ आपको उसके निशान हो रहे हैं, उसके घाव हो रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा तरीका है यहाँ पे कि एक नागरमोथा पेड़ आता है, एक औषधि होती है नागरमोथा, तो वो आपको लेके आनी है, पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। वो कड़वा ज़रूर होता है बहुत, पर यकीन मानिए दोस्तों रजल बहुत ज़बरदस्त है, मतलब उसको जो एक बार आपने ले लिया ना मज़ा आ जाना है, ये मेरी गारंटी है। फिर इसके बाद बात करें तो हल्दी का जो दूध है इसमें बहुत बढ़िया फ़ायदा करता है, ये खास ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। फिर आता है इसके अंदर दोस्तों एक कनेर का पेड़ आता है, उसकी जो जड़ होती है उस जड़ को अगर आप पीस के इसके ऊपर लगाते हैं तो उसके अंदर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है दोस्तों। फिर जामुन के जो पत्ते होते हैं उनका भी बहुत ही अच्छा इसका उपयोग है, इसका लेप करने पे बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसमें। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो सूरजमुखी का जो पत्ते होते हैं या पंचांग ले सकते हो आप या बीज ले सकते हो, उनका जो लेप मेनली तो उसके जो पत्ते ही यूज होते हैं, जो उनकी नई जो पोपल होती हैं नए पत्ते होते हैं उनका लेप बना के आप उसको लेप अपने जो जहाँ जहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको आ रही है वहाँ वहाँ पे उसके लेप करो, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों आपको। अब इस सबसे पहले अब मैं आपको लास्ट ये सारा ट्रीटमेंट हो गया, लक्षण बचाव वगैरह सब कुछ हो गया, एक चीज़ आपको खास मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सिफिलिस है और HIV है दोनों के लक्षण बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो इन दोनों को एक समझने की कोशिश गलती ना करें। अगर आपको लगता है तो आप STD की जांच करवाएं, यहाँ पे आपको विडाल की चेकअप होता है VDRL, सो ये आप जाके चेक करवाइए, तो इसके अंदर आपको जो आपका सिफिलिस वायरस है वो डिटेक्ट हो जाता है और आप आसानी से जान सकते हो घर बैठे कि आपको ये सिफिलिस है या नहीं है, ठीक है। सो अगर आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा, तो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसी कोई नई जानकारी चाहिए तो मेरे को सोशल मीडिया हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मेरे को कमेंट में जाके भी आप बता सकते हो दोस्तों, कोई शिकायत हो तो वो भी मेरे को बिल्कुल बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।